मारुति स्टेट के पास शनिदेव मंदिर के बगल में सड़क की हालत काफी खस्ता है। सड़क के बारे में कुछ लोगों ने बताया कि यह सड़क पिछले कई दशक से ऐसे ही हालत में है। क्या है सड़क की हालत, आपको आज हम फिर दिखाते हैं। मारुति स्टेट और शनिदेव मंदिर के बीच में एक छोटा सा टुकड़ा है सड़क का, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर 150 मीटर के आसपास का होगा, चौड़ाई उसकी थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन उस सड़क की हालत आज एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं कि क्या पोजीशन है, आखिर सड़क क्यों नहीं बन रही है। इस सड़क में हम कोशिश भी करेंगे कि यहाँ कहीं डामर मिल जाए मुझे। तो ये देखिए एक 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 जो है व्यक्ति आ रहा है यहाँ पे साइकिल पे, मुझे लग रहा है ये कपड़ा वपड़ा प्रेस करके लेकर के आ रहे हैं। जरा इधर आइए एक मिनट, ये क्या लेकर आ रहे हो आप इसमें? प्रेस के कपड़े हैं सर। प्रेस के कपड़े? हाँ। अच्छा, तो कितने साल से इस सड़क पर चल रहे हो आप ऐसी? 30-32 साल हो गई साहब, जब से ऐसे ही गड्ढे गुड्ढी है इसी में चल रहे हैं। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो चचे, 30-32 साल कहाँ हो गए? 30-32 साल तो पूरे शहर के नक्शा बदल गया, और ये बीचों बीच शहर में इसका नक्शा नहीं बदला है? जी नहीं बदला है, ये तो ऐसी ही पड़ी है। अच्छा, हम शनिदेव मंदिर पे आते ऐसे ही कच्ची रास्ते बहुत दिन से आते हैं, काफ़ी दिन से। तो क्या कोई आत्मा आत्मा बास कर रही सड़क पे है? हाँ। मतलब आए पता नहीं है, ये बनी नहीं है, ये क्यों नहीं बनाई है सरकार ने? अच्छा, और क्या? तो इस तो गांव वाली सड़कें तो सही होंगी? गांव वाली तो जो दग रहे थे वो ठीक नहीं सड़क बन गई। अच्छा। और जे नहीं आज तक बनी। अच्छा, ये नहीं बन पाई है। अच्छा, ये रास्ता तो मशहूर ही हुआ कच्चे रोड के नाम से। तो ये बताओ कि कितने सालों की पुरानी याद आपको ये सड़क देख के लग जाती है? लगभग 32 साल हो गई इसे, जब से देख रहा हूँ मैं, तो कच्ची पड़ी है, ये बनी नहीं आज तक। बनी नहीं है तो गिर भी जाते होंगे साइकिल से चलते चलते? तो नहीं गिरते हैं, खूब गिर जाते हैं। अच्छा, और का भाई पहले गिर गया था, मेरे हाथ में लग गई थी। अच्छा। प्लास्टर चढ़ा, अब कटवा के आया, यही रास्ता है निकलने की, और कहाँ जाएँ, गड्ढे गुड्ढी और क्या करें, यही रास्ता है भाई चलने के लिए। तो आप निकलिए, मैं देखता हूँ जरा यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये गिट्टी फिट्टी तो डली हुई है, आप देख रहे हैं ये। अच्छा। यहाँ ये सब है, और ये आप देखें यहाँ पे सब चीज़ डली तो है ये, लेकिन इसमें धूल मिट्टी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है भाई। हम आगे देखते हैं थोड़ा सा खुदाई करके कि क्या यहाँ डामर वामर कभी पड़ी थी भविष्य फ्यूचर में, जैसे कि उन्होंने बताया 30-35 साल हो गए नहीं देखा मैंने। थोड़ा सा मैं देखता हूँ यहाँ काम करा के क्या पोजिशन है, तो ज़रा दिखाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ मुझे कहीं डामर मिल जाए, तो वो हम देखेंगे ज़रा खोद करके कि डामर मिल जाए हमें यहाँ पर थोड़ा सा। और ये देखिए यहाँ भैया, ज़रा 2-4 फावड़े ज़रा मारना है यहाँ पे, ज़रा गहती बोलते हैं इसको ना, क्या बोलते, ज़रा देखिए यहाँ पे कुछ डामर मिले तो मुझे बताइए, ज़रा दिखाइए कहीं धीरे धीरे करके, देखते हैं। वैसे कायदे से अगर देखा जाए तो इतनी खुदाई के बाद यहाँ डामर फामर तो मिल जाती थी, लेकिन यहाँ तो ये लग रहा है कि कूड़ा निकल रहा है अंदर से, ये यहाँ पे कूड़ा निकल रहा है। तो यहाँ कई सालों से मुझे लगता है कि सड़क नहीं बनी है ये, वाकई इनसे पूछता हूँ जरा ये करके आ रहे हैं आखिर यहाँ पे। अरे एक मिनट को जरा, एक मिनट को, ये क्या कर रहे हो आप, क्यों खोद रहे हो उसको? खुदाई कर सर देख रहे हैं डामर का रोड बना है या नहीं बना है, इसमें तो डामर ही नहीं मिल रहा है। अच्छा। हाँ, इसमें डामर का रोड खोज रहे हैं, इसमें डामर का रोड ही नहीं मिल रहा है, इसमें डामर ही नहीं है, इसमें डामर ही नहीं है। तो कितने फीट, लगभग 2-4 फीट देखा आपने? देख लिया, 2-3 फीट देख लिया। नहीं है? नहीं है। वाह भाई वाह, बड़े अफसोस और ताज्जुब की बात है कि 1-2 फीट अगर लोग यहाँ खुदाई भी कर देते हैं तो ये बताते हैं कि इसमें डामर ही नहीं है। इसका मतलब अंदाज़ा लग सकता है कि अगर कभी फ्यूचर में यहाँ कोई बिल्डिंग रही होगी, इमारत रही होगी, उसके अवशेष ज़रूर मिलते। लेकिन अफसोस ताज्जुब वाली बात है कि आखिर इस सड़क को क्या हो गया है, इस इतनी छोटी सी जगह को क्या हो गया है, क्यों इसकी अनदेखी हो रही है पिछले 30-35 सालों से। यहाँ के लोग या आने जाने वाले लोग या जो कभी सड़क से गुजरते हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं अधिकारी विभाग के लोग या जनप्रतिनिधि या फिर और जो इसके जिम्मेदार लोग हैं वो, यहाँ के पार्षद। क्या ये जगह नगर निगम में आती है, ये जगह ADA में आती है, ये जगह किसी पार्षद के अंडर में आती है, या किसी के अंडर में आती ही नहीं है? ऐसा ही कुछ तस्वीर, कुछ नज़ारा, कुछ चीज़ें यहाँ पर बयां करती हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मैं इसलिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ के लोग पिछले 35 सालों से ऐसे ही नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। अभी तो हालत थोड़ा ठीक भी है, लेकिन बरसात के दिनों में यहाँ से ट्रैक्टर का भी निकलना मुश्किल हो जाता है। कैमरा पर्सन अनु बघेल, साथ विनोद जूनियर, सी न्यूज़ आगरा।